मैं कह रहा हूँ ब्रो, ये अकाउंट मैंने जस्ट अभी खरीदा है, क्या हुआ? हुई होगी भाई, मैं यही कह रहा हूँ। पर भाई मैं तो परचेस करके लाया हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ। तो भाइयों, वीडियो का पार्ट टू आ चुका है। पार्ट टू में ये है कि मेरी आईडी जिसने चुराई थी उसको मैंने पकड़ लिया है, और पकड़ने के बाद भाई मैंने उसको पूछा है, और ये सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। मैं सब कुछ डिटेल में बता दूंगा, तो वीडियो देखने का आपको मज़ा नहीं आएगा। वीडियो को अंत तक देखना, लाइक कर दो, और जो कभी चैनल पर नहीं है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड शेयर कर देना अपने ग्रुप में, एंड देन वीडियो को लास्ट तक देखो और आपको समझ लग जाएगा मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या। चुप तो रहा सिवा 1 मिनट, मैं ये पूछ रहा हूँ यार, तुमने कितने के लिए वैसे आई डी? 1500 में लिया मैंने तो बस बस इतने में तो यार आई डी वैसे मिल भाई। तुम्हारे तुम्हारे बंदे की है क्यों ऐसे हुई, ये बताओगे थोड़ा, फिर मैं बता दूंगा। जिस बंदे की आई डी है वो ये है लव बड़ा गई भाई, हैं कर ले बात, कर ले एक बार फिर पूछ ले। भाई देखो मैं तो कस्टमर हूँ, मैं तो पेमेंट के हिसाब से ले, तू मेरे लिए तो पेमेंट ही मांगता है ना, समझ रहे हो? जी। तो भाई मेरी बात सुन, मेरी बात सुन भाई। आईडी ट्विटर से कनेक्ट है, ठीक है? अच्छा, ये जो तू बोल रहा है भाई, देख देख भाई मेरी बात सुन। तू जो कह रहा है ना कि जो आईडी स्कैम हो गई, यार देख बिना इशू के तो आईडी स्कैम हो ही नहीं सकती, कहीं ना कहीं तो गलती तूने भी की होगी। अब मैं इतना जानता हूँ तूने कोई वेबसाइट में अपना आईडी पार्ट डाला होगा पक्का, इतना भी मैं जानता हूँ, हाँ, बता रहा है था ना? मैं, डाला है ऐसे। हाँ हाँ, तो जो सुन सुन मेरी बात सुन भाई, गलती सुन मेरी, ये जो तू डालता है ना, देख भाई सच्ची बोल रहा हूँ, मैं भी ना वही करता हूँ, मतलब करता नहीं, मतलब मेरे को पता है यही हुआ होगा, क्योंकि भाई मेरे पे जैसे ही अकाउंट आते हैं ना, मैं मतलब कुछ अकाउंट्स लेता भी हूँ और कुछ बेच भी देता हूँ, मेरा तो डेली का है भाई, तो मेरे को पता है इसलिए स्कैम हुई है, क्योंकि मैं समझ गया तेरी फेसबुक स्कैम हुई ना, तभी मैं समझ गया कैसे हुई। हाँ, ट्विटर है, हाँ, ट्विटर है। अबे साला हरामी मानव, मेरे ही आईडी से ही इमोट्स कर रहा है। एक तो मन कर रहा है इसको पकड़ के मार डालूं, और ऊपर से आईडी वापस चाहिए, तो किसी तरह हमें इससे प्यार से बात करनी पड़ेगी अभी। कर दो यार। तो भाई यार देखो यार, ऐसे तो हम आईडी पास एकदम नहीं दे सकता ना यार, तुम भी समझो यार ये बात। भाई आपको मैं आधी पेमेंट पहले दे देता हूँ, फिर आप जब आईडी दे दोगे बाकी की बाद में दे दूंगा। चीटिंग की बात है ही नहीं ना, लॉगिन तो कोई नहीं देता पहले, अभी तुम्हारी आईडी फंस गई तो वो बंदा थोड़ी आएगा तुमसे बोलने कि यार तुमने लॉगिन क्यों डाला, देगा थोड़ी, समझो तुम ये भी तो यार। बात सही है तुम्हारी, ये तो बात सही है भाई भाई। तो मैंने तो पेमेंट तो पहले दी थी ना जिससे ली थी, अब जब तुम मुझे मुझे पेमेंट पहले नहीं दोगे तो मैं कैसे दे दूंगा तुम्हें कुछ यार। बात तो ये भी सही है भाई। पेमेंट की बात है ना भाई, तो पेमेंट मैं आपको कर देता हूँ, पहले आधी कर देता हूँ, फिर जब आप लॉगिन पास दे दोगे तो बाकी की लॉग पेमेंट मैं उसके बाद आपको कर दूंगा। बस पहले पे कर दोगे तो बता देना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो भाइयों, इसने बार कोड दिया था और हमने चेक करने के लिए सिर्फ पहले 10 रुपीज़ पे किए। अब भाइयों, मैंने इसको 10 रुपये तो पे कर दिया, लेकिन यहाँ पे मेरी टीम कंफ्यूज है। मेरी कंफ्यूज अमन कह रहा है कि मेरे को ये ऑनलाइन नहीं दिख रहा, रेंजर कह रहा है मेरा ऑन है, मैं भी कह रहा हूँ ऑन दिख रहा है महाजन भाई टीम, और आपको भी ऑन ही दिख रहा है। बट मैंने अमन को बोला कि जा तू रिफ्रेश करके आ जाओ, रिप्लाई देखो। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, अभी मैं यहीं पर हूँ। तो चलिए भाई, आपको बताते हैं आगे क्या हुआ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला, बहुत ख़तरनाक ट्विस्ट बनेगा, बहुत ख़तरनाक। तो भाई आप क्लियरली देख सकते हैं, पहले मैंने इनको 10 रुपीज़ सेंड किए चेक करने के लिए, जब इनको आ गए तो उसके बाद मैंने 990 सेंड किए, और इनको फिर जब ये भी आ गए तो मैंने कहा भाई मैं, आप मेरे को लॉगिन दे दो। इन्होंने मेरे को लॉगिन वापस कर दिया था, और जैसे ही मैंने अपने में लॉगिन किया ट्विटर से, सब क्लियर हुआ, सब ठीक हो गया जब, तो उसके बाद 500 रुपीज़ इनको मैंने वापस कर दिए, इनके हो गए पूरे के पूरे 1500। तो उसके बाद इन्होंने मेरे को बोला था कि आप 1500 रुपीज़ ही दे दो मेरे को, 2000 नहीं चाहिए, ये बहुत अच्छे निकले। और इन्होंने जितने में ये आईडी खरीदी थी, इनको इनके पैसे वापस मिल गए और मुझे मेरी आईडी मिल गई। मेरी गलती हो गई, जो मैंने उस लिंक पर टैप कर दिया, उस गलती की वजह से 1500 रुपया चला गया और मेरे को मेरी आईडी फिर भी वापस मिल गई। नहीं तो कुछ लोगों को ऐसा हो जाए तो आईडी वापस मिलती ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। अगर ये आईडी कोई ख़रीद लेता ना मेरी, तो बेशक ये बंदा मान जाता, जैसे अभी मान गया, लेकिन दूसरा वाला बंदा नहीं मानता। तो चलो ये सब छोड़ते हैं, वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो मेरे को वीडियो नहीं, सच मेरे को आईडी मेरी वापस मिल चुकी है। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। शेयर करने से ये हो जाएगा कि आपके दोस्त भी अलर्ट रहेंगे स्कैम से, और वो भी अलर्ट हो जाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आईडी बैन हो जाती है। तो
अपने भाई को सपोर्ट करो जितना ज़्यादा ले सकते हो, आगे ले जाओ, और इन वो भाई सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड बेल आइकन कर दो। और जिस किसी ने भी मेरे को अभी फॉलो नहीं किया, क्योंकि सब यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं और मेरा इंस्टा और FB उड़ चुका है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और FB अकाउंट मैंने अभी बनाया नहीं है, वो मैं बना रहा हूँ, और जब मैं बना लूँगा उसका भी लिंक आपको मैं दे दूँगा। तो समाप्त करता हूँ मैं यहीं पे वीडियो, तो मिलता हूँ आपको न्यू कंटेंट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए महाजन गेमिंग बॉय, एंड तब तक के लिए ध्यान रखिए आप सभी अपना।